हेलो दोस्तों, मैं नीरज गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूँ कल फिक्स के ऑफिशियल चैनल और यूट्यूब चैनल पर। ठीक है, जैसा कि हमने पिछले कक्षा में कुछ चैप्टर कवर किए थे जो आप लोगों को देखने को मिला होगा या आगे मिलेगा, जिसमें हमने आयतन चैप्टर को कवर किया था, उसके बाद हमने एलसीएम एचसीएफ चैप्टर को कवर किया था, और एलसीएम एचसीएफ से संबंधित जितने भी टाइप थे, जितने भी क्वेश्चन थे, उसको बनाने का प्रयास किया था। हालांकि इसका मैं पार्ट 3 के लिए क्वेश्चन बना रहा हूँ, जो जल्द आप लोग को देखने को मिलेगा, उसका पार्ट 3 भी आ जाएगा। उसी तरह जो जो भी हमारे डाउट चैप्टर हैं पहले, या फिर जो इंपॉर्टेंट चैप्टर हैं जो परीक्षा में ज़्यादातर जिससे सवाल पूछे जाते हैं, उन चैप्टरों को पहले हम कवर कर रहे हैं, जिसमें हमारा आज का चैप्टर है घातांक और करणी। घातांक और करणी, या इंग्लिश में इसको बोलिए सर्ट और इंडाइस। तो घातांक करणी में जो प्रश्न होते हैं, जो सवाल होते हैं, वो परीक्षा में आते हैं, और जिसको देख करके स्टूडेंट या छात्र बहुत ज़्यादा घबरा जाते हैं, परेशान हो जाते हैं, क्योंकि इसको बनाना आसान होता है, इसको बनाना मुश्किल नहीं है, लेकिन इसके जो नियम हैं वो अगर आप जानेंगे तो आप बेहतर बना पाएंगे, वरना आप इसको देख के घबरा जाएंगे कि इसको बनाना कैसा है। इसको आप बोल सकते हैं कि क्वेश्चन देखने में भयानक लगेगा, लेकिन इसका सोल्यूशन बहुत आसानी से होता है और बहुत आराम से सवाल बनता है। कुछ क्वेश्चन एग्जाम्पल पे आपके सामने लगे हुए हैं, जिसको आप देख सकते हैं कि आज का हमारा क्वेश्चन क्या क्या होने वाला है। इस पर हम लोग क्या करेंगे, बेसिक पे चर्चा करेंगे, पहले बेसिक से सरल सरल सवाल से बनाना शुरू करेंगे, और धीरे धीरे हम सवाल की कठिनाइयों तक आएंगे जो परीक्षा में आते हैं। लेकिन ऐसे सवाल तब बनेंगे, देखिए इस टाइप के सवाल आप देखेंगे तो आप क्या होंगे, परेशान हो जाएंगे। लेकिन अगर आपको इसके सारे नियम पते हैं, पता है इसको कैसे बनाना है, तो आप इसको 20 सेकंड से 30 सेकंड में आप इसको बना लेंगे। तो बस आप वीडियो के साथ बने रहिए और क्वेश्चंस को प्रैक्टिस करते चलिए साथ में, यकीन मानिए कि आपका सारा क्वेश्चन बनेगा। ठीक है, हम लोग इस पे धीरे धीरे टाइप बढ़ाते जाएंगे और आपको प्रैक्टिस लगातार कराते जाएंगे, जिससे कि आपके सारे सवाल बनते जाएंगे आपके लिए। ठीक है, तो कुछ सवाल हैं आज के जिसको हम लोग बनाएंगे, लेकिन इससे पहले हम घातांक करणी को ठीक से समझ लेते हैं कि घातांक करणी का क्या रूल होता है और क्या इसके सवाल होते हैं, इसको कैसे बनाया जाता है, क्योंकि इसको बनाने के लिए पहले आपको कुछ नियम जानना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, जैसे देखिए घातांक का बात करें, एक पहले एक एग्जाम्पल ले देता हूँ मैं। मान लीजिए लिखा हुआ है कि 5 × 5 × 5 × 5 × 5। अब देखिए क्या लिखा हुआ, 5 × 5 × 5। अब अगर मैं इसको बनाऊं तो मान सकते हैं कि चलिए आप एक्सपर्ट होंगे गुणा करने में, आप इसको गुणा कर भी देंगे, लेकिन इसको अगर आपको घातांक के रूप में लिखते हैं तो आप देखो क्या लिखा हुआ है, 5। अब 5 कितनी बार लिखा हुआ, 1 बार 2 बार 3 बार 4 बार और 5 बार। तो आप 5 के पावर इसको 5 भी लिख सकते हैं। तो जो ये ऊपर लिखा है ना, इसी को हम लोग बोलते हैं घातांक, और ये जो है इसको तो क्या बोलते हैं, आधार, या फिर इसको भी बोलते हैं हम लोग बेस। उसी तरह इसको आधार या बेस बोलेंगे, और जो ऊपर है इसको घातांक या फिर बोलेंगे पावर। जैसे और कोई एग्जांपल ले लीजिए, जैसे लिखा हुआ मान लीजिए 3 × 3 × 3, मान लीजिए ये लिखा हुआ कितने बार, 20 बार। तो इसको आप गुणा ना करके क्या लिख सकते हैं, 3 के पावर 20, ये आपके लिए क्या हो जाएगा, घातांक, और ये क्या हो जाएगा आपके लिए बेस, या फिर इसको आप आधार लिख सकते हैं हिंदी में। ठीक है, तो ये बस कुछ ऐसे एग्जाम्पल हैं जो आपको मैं घातांक का मतलब बता रहा हूँ, घातांक क्या होता है। उसी तरह अगर मैं बात करूँ करणी पे, तो करणी देखो, अगर बात कर रहा हूँ करणी पे, तो करणी कैसे लिखाता है, जैसे देखो मान लो लिखा हुआ है कि √8। तो ये √ लगा ना, इसी को हम लोग बोलते हैं करणी। इस √8 को क्या लिख सकते हैं हम लोग, और तो 2√2, क्या हो गया ये 2√2, तो 2 करणी में 2। तो बस ये जो रूट का सिंबल बना है, इसी को हम लोग बोलते हैं करणी। ठीक है, तो करणी और घातांक का मतलब समझ रहे हैं आप लोग। देखो अब कुछ लोगों को डाउट होगा, सर इस √8 को 2√2 कैसे लिख दिए। तो देखो इस पे ये बना हुआ है करणी, अगर यहाँ पे कुछ नहीं लिखा हुआ है, इसका मतलब क्या होता है, यहाँ पे 2 होता है। इस 2 को मतलब क्या हुआ कि क्या निकालना है, इसका वर्गमूल। तो इसका अगर आप वर्गमूल निकालेंगे तो इसके देखो दो तरीका, अगर यहाँ पे कुछ नहीं है तो क्या लिखा हुआ है 2, तो इसको आप 8 के बट्टे 1 बट्टे 2 भी लिख सकते हैं, या फिर इसको अगर मैं तोड़ूंगा तो 2 × 2 × 2 में तोड़ूंगा,
अब यहाँ पे वर्गमूल क्या होता है, जोड़ा बनता है, तो एक जोड़ा बन गया किसका, दो और दो का, तो जो जोड़ा बन गया उसको बाहर रख देते हैं और जो बच गया उसको अंदर लिख देते हैं। तो कैसे पढ़ते हैं, 2 का स्क्वायर 4, 4 दूनी 8, तो ऐसा विकसित ने करनी में इसको 8वीं, या फिर यहाँ पे क्या लिखा हुआ है 8/1/2, इसको हम लोग अभी समझेंगे किसको, करनी वाले चैप्टर पे। ठीक है, तो फिलहाल अभी मैं बता रहा था खाली कि √8 को 2√2 कैसे लिखे और इस √2 को क्या बोलते हैं हम लोग, करनी। इतनी समझिए, बाकी इसके जो भी रूल और नियम हैं इसको हम लोग अब पढ़ते हैं। ठीक है, बहुत ही आराम से पढ़ेंगे, आप भी थोड़ा सब्र रखिएगा, इसको धीरे धीरे क्वेश्चन आपसे खुद ब खुद बनने लगेगा, क्वेश्चन छोटा हो चाहे बड़ा आपको धीरे धीरे खुद समझ में आने लगेगा। तो पहले आप क्वेश्चन के बेसिक से शुरुआत करते हैं। देखो मान लो आपका एग्जाम्पल नंबर 1 है, सूत्र मान लो आपका 1 है, मान लो कि यहाँ पे लिखा हुआ है x के पावर, मान लो लिखा हुआ है a, उसी तरह लिखा हुआ है x के पावर b। अब देखो नीचे बेस क्या लिखा हुआ दोनों में, x x, पावर में क्या है a, यहाँ पे पावर में क्या है b, तो ऐसे सवाल जब भी आते हैं तो अगर इनके आधार बराबर हैं, क्या है आधार बराबर है, तो घाते आपस में क्या होती है, जुड़ जाती है, तो x के पावर क्या हो जाएगा a प्लस बी। अब आपको ऐसे ना समझ में आए तो इसको एग्जाम्पल पे बताता हूँ मैं आपको। जैसे मान लीजिए लिखा हुआ है कि 3 के पावर 2 × 3 के पावर 3, अब यहाँ भी x था यहाँ भी x था, उसी तरह यहाँ भी 3 है और यहाँ भी 3 है। अब देखो यहाँ पे a है यहाँ पे b है, मतलब दोनों जगह पे घात क्या है अलग अलग, मेरा भी घात 2 है और यहाँ पे 3 है, तो मैं क्या बोला कि अगर आधार बराबर है तो घात को क्या करेंगे हम लोग, जोड़ देंगे, तो आधार क्या है x, तो क्या हो गया a प्लस बी, और उसी यहाँ पे आधार क्या है, देखो बराबर है 3 और 3 बराबर है, तो क्या हो जाएगा 3 और 3 और 2 जोड़ देंगे, क्या हो जाएगा 2 + 3 = 5, तो क्या आंसर हो जाएगा इसका 3 के पावर 5। अब आप इसको बना के भी देख सकते हैं, 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 3 का क्यूब कितना होता है 27, इसको जब गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 243, और 243 को आप क्या लिख सकते हैं 3 के पावर 5, अगर 3 को आप 5 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 243। तो इस समस्या से बचने के लिए हम लोग क्या डायरेक्ट कर सकते हैं इसको, 3 के पावर 5 कैसे कर सकते हैं, अगर आधार बराबर है तो खातों को जोड़ देंगे। इसका दूसरा नियम क्या बोलता है, देखो अगर यहाँ पे x का पावर a है और भाग का चिन्ह लगा हुआ है या फिर बटे में है और x का पावर b है, तो अगर x का पावर a भागित x का पावर b है तो क्या हो जाएगा x का पावर a माइनस बी। देखो जिस तरह गुणा में घात जुड़ रहा था उसी तरह भाग में घात क्या होता है, घट जाता है। ठीक है, तो यहाँ भी सेम लॉजिक चलेगा आपका, जो लॉजिक आपका वहाँ पे था पहले। अब देखिए इसका एग्जाम्पल नंबर 3, समझ गए, अगर गुणा में है आधार बराबर है तो घाते जुड़ जाएगी, भाग में है आधार बराबर है तो घाते घट जाएगी। उसी तरह अगर इसको ही बताता हूँ एक दूसरे रूप में लिख के, अगर मान लो एक्स के पावर ए बटे एक्स के पावर बी लिखा हुआ है तो भी आप एक्स के पावर ए माइनस बी ही लिखेंगे, क्योंकि भाग लिखा हो चाहे बटे में लिखा हो बात क्या होता है, बराबर होता है। जैसे आप एग्जाम्पल ले लो इसका, जैसे मान लो लिखा हुआ है कि 2 के पावर 5 और लिखा हुआ है 2 के पावर 3, तो इसके आंसर आपका लिखेंगे डायरेक्ट 2 के पावर 2, क्यों, क्योंकि अगर आधार बराबर है तो खाते घट जाएगी, 5 में से 3 चला गया कितना बचा 2, मतलब इसका आंसर कितना हो जाएगा 4। अब इसको अगला टाइप देखते हैं, ये गुणा में हो गया, ये आपका भाग में हो गया। अब अगर मान लो लिखा हुआ है कि एक्स का पावर ए और इसके कोष्टक के बाहर लिखा हुआ है बी, एक्स के पावर क्या लिखा हुआ है ए और पूरे कोष्टक के बाहर क्या लिखा हुआ है बी, तो क्या आंसर होगा आपका एक्स के पावर ए बी। ये बात समझ में आ रहा है कि अगर कोष्टक हटेगा तो घाते आपस में क्या होगी, गुणा हो जाएगी, ए का गुणा किससे हो जाएगा बी से। समझ लो इससे एग्जाम्पल, मान लो 5 के पावर 2 लिखा हुआ है और यहाँ 5 पावर क्या लिखा हुआ है 3, तो क्या हो जाएगा 5 के पावर 2 × 3, मतलब 5 के पावर 3।
6 हो जाएगा। समझ में आ रहा है क्या बोल रहा हूँ? कि अगर कोष्टक में है किसी भी संख्या का कुछ पावर है और उसके पूरे का पावर में कुछ लिखा हुआ, तो इनका क्या होगा पावर आपस में गुणा। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा, ये आपके हर सवाल में लगभग लगभग फंसेगा। ठीक है, तो क्या होगा इनका आपस में गुणा हो जाएगा। ये आपके लिए क्या है, एग्जाम्पल है, और ये आपका इसका नियम है। ठीक है, इसका पांचवा नियम क्या बोलता है देखो। अगर लिखा हुआ है कि ए और बी के पावर अगर एन लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि ए का पावर भी एन लिख सकते हो और बी का पावर भी आप इसका एन लिख सकते हो। मतलब अगर ए के लिए भी एन है और ये बी के लिए भी एन है, और ये क्या है आपस में गुणा है, तभी तो देखो। अब यहाँ से आप क्या सीख रहे हैं, देखो यहाँ से हम ये सीखते हैं कि अगर आपस में घात बराबर है। अब देखो यहाँ दोनों में घात एक ही है, अगर आपस में घात बराबर है तो आधार क्या होगा, गुणा हो जाएगा। देखो मान लो लिखा हुआ है 3 के पावर 2 गुणा 4 के पावर 5 के पावर भी 2। अब 3 के पावर 2 है और 5 के पावर भी 2 है, तो अब इसके आंसर क्या लिखोगे डायरेक्ट, देखो 5 तिया 15 के पावर 2। क्या लिखोगे, 5 तिया 15 के पावर 2। क्यों, क्योंकि अगर आधार घात बराबर है तो आधार क्या होगा आपस में गुणा हो जाएगा। 5 तिया 15, 15 के पावर क्या हो गया 2। करके देख लो, देखो 3 का स्क्वायर कितना होता है 9, और 5 के स्क्वायर कितना होता है 25, तो 25 तमा कितना हो गया 225, और 15 का स्क्वायर भी कितना होता है 225। तो ये कुछ नियम है जो आपके काम आने वाले हैं। पहले फिर समझ लो, अगर आधार बराबर है तो घात जुड़ जाएगा, अगर आधार बराबर है और अगर केस भाग का है तो घात घट जाएगा, अगर बटे में है तो भी घात घट जाएगा, अगर कोष्टक टूटेगा तो आपस में गुणा हो जाएगा। यहाँ पे अगर दो संख्या लिखा हुआ है अलग अलग, मतलब कोई गुणा के फॉर्म में है, तो वो क्या होगा, इसके लिए भी हो जाएगा पावर और इसके लिए भी हो जाएगा पावर। तो ए का पावर एन और बी का पावर भी एन हो जाएगा। इससे हम एक चीज़ और सीखते हैं कि अगर हमारा घात बराबर है तो आधार क्या होगा, गुणा हो जाएगा। ठीक है, और देखते हैं और क्या नियम हो सकते हैं। अगर किसी भी संख्या का, मान लो जैसे लिखा हुआ है कि ए का पावर 0, क्या लिखा हुआ है ए का पावर 0, तो इसका आंसर क्या होगा 1। मतलब किसी भी संख्या का, किसी भी संख्या का घात 0 हो तो उसका उत्तर 1 हो जाएगा। ठीक है, कोई भी संख्या, जैसे मान लो एग्जाम्पल पे हम बात करें, लिखा हुआ है कि 5 के पावर 0, तो आंसर क्या होगा 1, ही आपका डायरेक्ट आंसर हो जाएगा। मतलब किसी भी चीज़ को अगर आपको 1 करना है तो उसका पावर आप क्या कर दो, 0 कर दो, तो क्या हो जाएगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, और क्या नियम हो सकता है देख लेते हैं, अगर कुछ नियम बचा हो तो। ठीक है, तो ये आपके कुछ नियम हैं जो आपको अभी दिमाग में रखना है, जिससे हमारे क्वेश्चन सभी बनेंगे। ठीक है, इसी से लगा हुआ एक और एग्जाम्पल है, मतलब इसी से लगा हुआ एक और आपका नियम है, सेम यही चीज़ है, ज़्यादा अंतर नहीं है। अगर मान लो लिखा हुआ है, ऐसे सातवां नियम लिख देते हैं, कि ए बटे बी के पावर में एन लिखा हुआ है। क्या लिखा हुआ है, ए बटे बी के पावर में एन, तो आप इसके लिए ए के पावर भी एन लिख सकते हैं और बी के पावर भी एन लिख सकते हैं। ठीक है, देखो ये दोनों सिमिलर हो गए, ये गुणा भाग, उसी तरह ये वाला गुणा और ये वाला भाग सिमिलर हो गए। ये एक नियम है जो आपको याद रखना है कि आपस में क्या हो, घात खुलेगा तो ये गुणा हो जाएगा, और किसी के पावर भी अगर 0 हो तो क्या हो जाता है 1। ये आपके घातांक के सारे नियम हो गए। इसी तरह अगर मैं बात करूं किसके, करनी के कुछ नियम के, ठीक है, ये जो था आपके लिए क्या था, घातांक का नियम था।
देखो अगर आपको इतना बात समझ में आएगा तो आप क्वेश्चन देखना कितना आसानी से बना पाओगे, ठीक है। ये सब चीज़ आपको पहले से आता होगा, लेकिन जब क्वेश्चन जब बनाते हैं तो आपका दिमाग काम नहीं करता है कि किसको कहाँ पर लगाना है, इसलिए हम आपको एग्जाम्पल के साथ बताते गए हैं और आप आगे और प्रैक्टिस करेंगे जिससे आपके सारे जो डाउट हैं संदेह हैं वो सब खत्म हो जाएंगे, ठीक है। अब करनी के नियम आते हैं। अब देखो अगर कोई भी चीज़ है, करनी का पहला नियम ले लेते हैं। अगर मान लो यहाँ पर लिखा हुआ है एक्स, क्या लिखा हुआ है एक्स, और यहाँ पे मान लो कोई भी चीज़ लिखा हुआ है, ए लिखा हुआ है चाहे बी लिखा हुआ है, तो आप इसको कैसे लिख सकते हो कि एक्स एक बटा ए, मतलब कि यहाँ से घात उड़ेगा और यहाँ कहाँ आ जाएगा बटे में, यहाँ से उड़ाना है जो भी यहाँ रहेगा, ये जो आपका नोका वाला चीज़ है ये जो नोक में रहेगा, नोक से उठा कर कहाँ रखना है उसको बटे में, तो ये क्या हो जाएगा सॉल्व। जैसे मान लो हम लोग लिखते हैं कि 27 करनी में 3, मतलब 27 का घनमूल निकालना है, तो आप सीधा क्या आंसर बताएंगे कि क्या होगा आंसर 3, क्योंकि सबको पता है कि 3 का घनमूल क्या होता है 27। लेकिन अगर इसको इस नियम से लेकर जाएं तो 27 बटे 1 बटे 3 लिखने बोला हूँ पावर हमें। अब 27 बटे 1 बटे 3 का मतलब क्या होता है, 3 के पावर 3 गुणा 1 बटे 3। अब देख गुणा क्यों कर रहे हैं, ये आपको पहले नियम से समझ में आएगा कि अगर कोष्टक खुलेगा तो ये गुणा होता है, तो कितना आ गया आपका 3, ठीक है। इसका दूसरा नियम क्या बोलता है, अगर कंडी में मान लो लिखा हुआ है यहाँ पे x है, यहाँ पे a लिखा हुआ है, और यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है ये आपका x ही है और ये मान लो b लिखा हुआ है, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग, कंडी में x ए बी, ठीक है। एक मिनट, इसको एक मिनट सुधार लेते हैं फिर से। अगर मान लो करनी में लिखा हुआ है और यहाँ पे मान लो लिखा हुआ है आपके पावर में भी n, और मान लो यहाँ भी लिखा हुआ है n, मान लो तीनों जगह क्या लिखा हुआ है n n n, तो इसका आंसर कितना होने वाला है n, कैसे होगा n? देखो इससे ही ये बनेगा। अब यहाँ पे n है और यहाँ पावर क्या है करनी में क्या है n, तो मैं इसके लिए क्या बताया एक बटे n हो जाएगा, और बाहर क्या है n। अब कोष्टक खुलेगा तो क्या होगा आपस में, ये n है और कोष्टक खुलेगा तो क्या होता है एक बटे n गुणा n, कट गया क्या बचा n, तो क्या होगा n आपका हो जाएगा। इसी तरह अगर मैं तीसरा नियम की बात करूं तो तीसरा नियम हमको क्या बोलता है इसको देखिए, अगर कंडी में लिखा हुआ है ए बी और यहाँ मान लो लिखा हुआ है एन, क्या लिखा हुआ कंडी में ए बी और क्या लिखा हुआ है एन, तो इसको क्या लिखेंगे हम लोग कि ए के लिए भी एन है और बी के लिए भी एन है, और यहाँ पे आपका गुणा का ये सिंबल बन जाएगा, ठीक है। थोड़ा साफ साफ लिख देते हैं इसको फिर से, ये आपके लिए ए है और करनी में n, उसी तरह ये b है और करनी में n, ठीक है। चलिए इसका चौथा नियम की बात करते हैं। देखो तो जितना लिखवा रहा हूँ बस इतने की समझो, बाकी क्वेश्चन जब लिखते जाओगे आप तो आपके सारे डाउट खत्म होते जाएंगे, ठीक है। यहाँ पे कुछ नहीं है, मान लो कोई दो संख्या लिखा हुआ है और दो संख्या के पावर में क्या लिखा हुआ n, तो इसको आप अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे आप एग्जाम्पल में समझो कि मान लो लिखा हुआ है कि 4 गुणा 5 और करनी में लिखा हुआ है 2, तो अब इसके लिए आप 4 के लिए भी 2 लिख सकते हैं और इस 5 के लिए भी 2 लिख सकते हैं, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं, और क्या नियम है इसमें, अगर a बट्टे b के करनी में n है तो क्या लिख सकते हैं, a के लिए भी n है और b के लिए भी n है, तो 1 2 3 4 नियम हो गए। गुणा में है तो गुणा कर देंगे, बट्टे में है तो बट्टे कर देंगे, करनी दोनों में आपका लगा रहेगा, ठीक है। आगे देखते हैं और क्या हो सकता है इस पर, अगर करनी में मान लो a है और यहाँ n है और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है m है, तब क्या होगा, तब आपके लिए
ये ए का ए रह जाएगा, ये अपने जगह पे एन रह जाएगा, और ये एम जो कोष्टक के बाहर है इसको आप एम को उठा करके यहाँ भी ला सकते हैं। ठीक है, तो ये आपके करने के कुछ नियम थे जो अभी फिलहाल हो गए हैं। इसके बाद हम सारे क्वेश्चन पे चलेंगे। ठीक है, करनी और घातांक के कुछ नियम को आप अगर सही से समझेंगे तो आपको बेहतर होगा। मैं फिर से बता देता हूँ, देखिए क्या क्या लिखे हम लोग लिखे हैं कि अगर करनी में यहाँ एन है और यहाँ पावर में क्या है, ए है, तो एन अपने जगह पर रहेगा और ए के लिए क्या होगा, एक बटे ए हो जाएगा। ये कहाँ जाएगा, बटे में। वही चीज़ यहाँ भी लिखा हुआ है कि अगर यहाँ पे अंदर एन है और यहाँ भी एन है और यहाँ भी मान लो एन है, ऐसा मान लो कोई भी संख्या हो उससे कोई दिक्कत नहीं होगा, तो ये एन की जगह पर एन रहेगा, ये एक बटे एन हो जाएगा और ये वाला एन अपने जगह पर रहेगा। अब घातांक का नियम बताओ, कोष्टक जब हटेगा तो क्या होता है आपस में, ये गुणा हो जाएगा, तो ये क्या हो रहा है आपस में, गुणा, क्या बचेगा आपको, एन। उसी तरह यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, ए बी, और अंदर बाहर में क्या है, एन, तो ए के लिए भी एन हो जाएगा और बी के लिए भी एन हो जाएगा। उसी तरह अगर बटे में दिया हुआ है ए बी और यहाँ लिखा हुआ है एन, तो ए के लिए भी एन हो जाएगा और बी के लिए भी एन हो जाएगा, दोनों क्या रहेगा, बटे में। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, एन, यहाँ पे अंडर रूट ए और यहाँ पे एम, तो यहाँ पे क्या करना है, इस एम को उठा करके इसके अंदर ले आना है खाली। ठीक है, अब हम लोग क्वेश्चन को देखते हैं और क्वेश्चन को समझते हैं, क्वेश्चन बनाना कैसे है। अब देखो, पहला सवाल हमको बोलता है कि 8 के पावर में क्या है, 2/3 है। अब इस सवाल को अगर आप देखेंगे तो आपको समझ में नहीं आएगा इसमें करना है क्या है, लेकिन अगर आप थोड़ा सा दिमाग लगाते हैं और करने के हिसाब से चलते हैं तो देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 8, यहाँ पे क्या है 2 और यहाँ पे क्या है 3, तो क्या इस 8 को हम लोग किसी और रूप में लिख सकते हैं क्या, तो सर आप बोलेंगे कि हम 2^3 के रूप में भी 8 को लिख सकते हैं, तो 2^ क्या हो गया, 3। और देखो यहाँ पे 2/3 तो ऑलरेडी लिखा हुआ है। अब देखो इस कोष्टक को जब हटाते हैं तो क्या करते हैं हम लोग, 2^3 लिखते हैं और गुणा में 2/1 मिनट, देखो 2 को 2 लिख दिए, पावर में कितना है, 3 है। अब इसको जब तोड़ेंगे कोष्टक को तो घातांक आपस में क्या होते हैं, गुणा, तो घातांक का अगर आपस में गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2/3, इस 3 से ये 3 कैंसिल, क्या बचा हमारे पास, 2^2, 2^2 क्या होता है, 4, ये हमारा क्या हो जाएगा, हमारा आंसर हो जाएगा। तो आपको क्या करना है, जब भी कोई संख्या या कोई भी अंग दिखे इसको छोटा करने का प्रयास करना है। हम 8 को छोटा कर दिए, 2^3 के रूप में ले आए और 3 के रूप में लाते के साथ इन दोनों को हम लोग गुणा कर दिए, तो इससे क्या हुआ, हमारा 3 3 कट गया, 2^2 हमारे पास बच गया। ठीक है, आगे चलते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन देखो क्या है, करनी में क्या लिखा हुआ है, 8 और पावर में क्या लिखा हुआ है, 1/3। अब अगर हम इसको बनाएं तो कैसे बनाएंगे, देखो अब इसको आप एक कभी नियम देखें या फिर आपको नियम याद नहीं है तो भी देखो, अगर आपको बने तो आप इसे क्या लिख सकते हो, करनी में 8 को आप 2^3 लिख सकते हो और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1/3, ऐसे लिख सकते हैं ना भाई, 8 को 2^3 लिख सकते हैं, करनी के अंदर है। अब वापिस अगर हम कोष्टक को हटाएंगे तो घातांक क्या होता है, गुणा हो जाता है, या फिर जो घातांक होता है उसका क्या होता है, यहाँ पे आके गुणा होता है। देखो कैसे, अभी मैं आपको बताया था यहीं पर कि अगर यहाँ पे एन है, ये ए है और ये एम है, तो आप एम को कहाँ ला सकते हो, ए के ऊपर, एम को कहाँ ला सकते हैं, ए के ऊपर, तो उसी तरह 1/3 कहाँ लाएंगे हम लोग, इसके ऊपर। तो करनी में क्या लिखा हुआ है, 2, यहाँ पे क्या है, पावर में 3 और 1/3, 3 3 कट गया, क्या बचा आपके पास, ओनली √2, तो आपका आंसर क्या हो गया, √2। यहाँ से उठा करके यहाँ ला सकते हैं या यहाँ से उठा करके आप यहाँ ले जा सकते हैं, बात एक ही है। ठीक है, 2 को 3 से गुणा करो चाहे 3 से 2 गुणा करो, एक ही बात होता है। ठीक है, ये बात आपको समझना है। हम लोग आगे सवाल पर चलते हैं, जैसे जैसे आगे हम लोग धीरे धीरे जाएंगे वैसे ही आपके डाउट और सारे नियम धीरे धीरे आपके दिमाग में सेट होते जाएंगे, क्योंकि आपको नियम भी ध्यान में रखना है। अब देखो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1000^9 और यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10^24। तो जब भी आपको ऐसा सवाल दिखे तो इसमें जो छोटा दिखे आप उसको मेन फोकस करना है, छोटा क्या दिख रहा है आपको, 10, तो आपको क्या कोशिश करना है कि क्या मैं इस 1000 को 10 बना सकता हूँ। यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 1000^9 / 10^24,
तो मेरे को पहले देखना है कि क्या मैं इस 1000 को 10 के रूप में लिख सकता हूँ। तो बोलेंगे सर बिल्कुल लिख सकते हैं, कैसे, 10 के पावर 3। 10 के पावर 3 मतलब क्या होता है, 1000, अब बाहर कितना है, 9 भागित 10 के पावर 24। अब आपको यहाँ पे दो नियम याद आ रहा होगा, एक मैं आपको बताया था अभी क्या नियम, कि अगर यहाँ पे एक्स है और यहाँ पे ए है और यहाँ पे बी है, तीनों क्या होता है, गुणा हो जाएगा। तो इन दोनों क्या होगा, गुणा, तो 10 के पावर क्या हो गया, 27 भागित, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, 10 के पावर 24। अब देखो दोनों का आधार बराबर है तो घात क्या होंगे, घट जाएंगे, क्यों, क्योंकि भाग में घात घटता है। अभी आपको बताया था कि एक्स के पावर अगर ए है भागित एक्स का पावर अगर बी है तो क्या होगा, एक्स का पावर ए माइनस बी हो जाता है। तो अगर आधार बराबर है तो घातें आपस में घट जाएगी, तो यहाँ पे 10 है और यहाँ पे भी 10 है तो घात क्या होगा, घट जाएगा। तो 10 और 27 में से 24 का कितना बचा, 3, इस 27 में से 24